हाँ तो भाई बैच इन बर्लिन होने में ना बस 2 दिन ही बचे हैं और लगभग देखा जाए तो सभी मैच भी ऑफिशियल हो चुके हैं, जो कि 5 मैच ही हैं टोटल कार्ड्स पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं उन सभी मैचों की प्रिडिक्शन, यानी माय प्रिडिक्शन फॉर बैच इन बर्लिन 2024। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अपने पहले ही मैच, जो कि एक मिक्स टैग टीम मैच है लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रिया रिपली और डैमियन प्रिंस के बीच में। और अब दोस्तों इस मैच की अगर बिल्ड की बात करें ना तो ये सभी को पता है भाई काफी अच्छे से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको बिल्ड किया है और फैन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है इसको देखने के लिए। और मेरी प्रिडिक्शन दोस्तों डैमियन प्रिंस और रिया रिपली को लेकर है कि इस मैच में विक्ट्री ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रेसलमेनिया में ये दोनों ही लोगों को हार मिली थी भाई, एक तो फिन बैलर की वजह से डैमियन प्रिंस को और दूसरा डोमिनिक की वजह से रिया रिपली को। तो ऐसे में दोस्तों अगर इस बार भी ये हारते हैं ना तब तो भाई इनके कैरेक्टर पर काफी असर पड़ेगा और डब्ल्यूडब्ल्यू कहीं से भी ऐसा नहीं करेगी। और यहाँ पर दोस्तों शायद ना डोमिनिक मिस्टीरियो भाई पिन होते हुए दिख सकते हैं, और वैसे भी मैच में न्यू जजमेंट डे का इंटरफेरेंस तो होना ही है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों डैमियन प्रिंस और रिया रिपली कैसे ना कैसे करके इस मैच में विक्ट्री ले ही लेंगे, क्योंकि अभी इनकी स्टोरी लाइन ना और आगे जाएगी और ये तो भाई अभी शुरुआत है इनकी स्टोरी लाइन की। खैर दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मोस्ट एक्साइटेड मैच में से एक, सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में, और ये एक स्ट्रैप मैच होने वाला है। और इसकी बिल्ड की दोस्तों अगर बात की जाए ना तो भाई सारे मैचों की बिल्ड इसके आगे ना फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन भाई अब सिर्फ मार धाड़ वाली नहीं रही है बल्कि ये अपना पर्सनल जा चुकी है, जो कि सीएम पंक का ब्रेसलेट है जो कि ड्रू मैकइंटायर ने भाई अभी तक इसको अपने पास रखा है। और वैसे भी भाई सीएम पंक के रिटर्न के बाद ना इनको भाई अपने पहले ही टेलीवाइज मैच में हार का सामना भी करना पड़ा था समर स्लैम में, तो इसलिए दोस्तों एक रीजन तो ये भी है कि इस मैच को ये हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि इसके बाद भी दोस्तों इनकी राइवलरी कंटिन्यू रहेगी, जो कि इनके और मैकइंटायर के बीच में भाई एक रबर मैच होने की पॉसिबिलिटी ना काफी ज्यादा है, मतलब तीसरा मैच इनकी राइवलरी का और यही फाइनल मैच भी होगा, जो कि आपको बैड ब्लड यानी हेल इन अ सेल में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन सीएम पंक को ही लेकर है कि इस मैच में ये ड्रू मैकइंटायर को इस बार हरा देंगे। और अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने तीसरे मैच की, जो कि अल्बा फायर और आइला डॉन वर्सेस कारगिल और बियंका ब्लेयर के बीच में ना वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए। और यहाँ पर दोस्तों इसमें ना टीम कारगिल और अनहोली यूनियन दोनों के भाई चांसेस बराबर के हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर ना अनहोली यूनियन भाई अपने टाइटल को किसी न किसी तरीके से रिटेन करते हुए दिख सकती है, क्योंकि भाई ऑलरेडी ये दोनों लोग भाई पहले भी टैग टीम चैंपियंस रह चुकी हैं, यानी कि बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल, और मुझे इसके चांसेस इस बार काफी कम लग रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको दोबारा से चैंपियन बनाएंगी। बाकी दोस्तों मैच में क्या होता है वो तो बैश इन बर्लिन में पता चलेगा, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन तो भाई अनहोली यूनियन के साथ ही रहेगी कि अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगी। और अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने फोर्थ मैच की, जो कि कोडी रोड वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच की दोस्तों अगर बिल्ड की बात की जाए ना तो भाई जीरो है एकदम। जी हाँ दोस्तों सबसे बेकार बिल्ड बैश इन बर्लिन में इसी मैच की है। हाँ रेसलिंग वाइज ये मैच काफी तगड़ा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही लोगों की इन रिंग स्किल काफी शानदार है, लेकिन जो हाइप होना चाहिए भाई टॉप टाइटल मैच को लेकर ना वो हाइप भाई जरा से भी इस मैच से झलक नहीं रही है। और वैसे भी कोडी रोड अभी अपना टाइटल हारने वाले नहीं है भाई, जब तक द रॉक का रिटर्न ना हो जाए तब तक कोडी रोड का टाइटल हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन दोस्तों इस मैच में ना केविन ओवेंस का हील टर्न होने की भी ना पॉसिबिलिटी भाई काफी ज्यादा बताया जा रहा है कि बैश इन द बर्लिन ही वो प्लेस है जहाँ पे फाइनली हमको केविन ओवेंस का हील टर्न देखने को मिल सकता है, और इसका हिंट भी हमको बार बार मिल चुका है। लेकिन दोस्तों अगर मुझे प्रिडिक्ट करना हो ना तो मैं कोडी रोड के ही साथ जाऊंगा, ये केविन ओवेंस को हरा कर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे। वैसे दोस्तों आपका इस मैच की बिल्ड को लेकर क्या ओपिनियन है हमको जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने मेन इवेंट मैच के बारे में, जो कि गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए है। और ये मैच दोस्तों देखने में जितना ज्यादा प्रिडिक्टेबल लग रहा है ना उतना है नहीं, क्योंकि भाई इस मैच में जरूर कुछ ना कुछ ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन कोई छोटे मोटे सुपरस्टार नहीं है कि गुंथर इनको इतनी आसानी से हरा देंगे। भाई कुछ ना कुछ तो शॉकिंग चीज इस मैच से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों मैच की प्रिडिक्शन की बात करें तो लास्ट में गुंथर इस मैच में विक्ट्री लेंगे, क्योंकि भाई ये इनका पहला डिफेंस है और दूसरा ये इनके ही होम टाउन बर्लिन से हो रहा है, तो भाई कहां ये हारने वाले हैं। और वैसे भी गुंथर वो सुपरस्टार है ना जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के ना सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक होल्ड करने का रिकॉर्ड भी भाई इनके ही पास है, तो ऐसे में भाई ये अपने पहले डिफेंस में हार देंगे नहीं भाई, ऐसा भाई कोई कीमत पर नहीं होगा। इस मैच में गुंथर किसी न किसी तरीके से अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन करते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बैश इन बर्लिन को लेकर ना मेरी प्रिडिक्शन। बाकी दोस्तों अब एग्जैक्टली क्या होता है और क्या क्या सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं ना वो तो बैश इन बर्लिन में पता चलेगा, और वैसे भी सारे मैचेस काफी प्रिडिक्टेबल भी हैं, तो भाई कुछ तो कुछ बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू वाले को तो करना ही पड़ेगा भाई शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वरना ये काफी नॉर्मल सा प्रीमियम लाइव इवेंट रह जाएगा। खैर दोस्तों वैसे आपका क्या ओपिनियन या थॉट्स है इस वीडियो पर हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।